दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन टुच्चा खिलाड़ी है दोस्तों। जो उसने किया है वो गली मोहल्ले के लड़के भी नहीं करते। वो उस वर्ल्ड कप स्टेज पे ये ऐसी हरकत कर रहा है। और दोस्तों अनेक जो चल रहा है ये मामला, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। लोग उसको अनेक कमेंट्स कर रहे हैं गलत गलत। सोशल मीडिया पे बहुत भरा हुआ है इस वजह से, क्योंकि जो कल हुआ है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में टाइम आउट का खिलाड़ी जो आउट हुआ है एंजेलो मैथ्यूज, जो 146 जो आईसीसी अब तक का पहला वो टाइम आउट खिलाड़ी है जो एंजेलो मैथ्यूज है। दोस्तों इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बात करेंगे किसकी गलती है, क्या ये सही है। दोस्तों हुआ है ये कि जब एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पे आ रहे थे, वो उसमें एक आईसीसी का रूल होता है कि आप 2 मिनट से पहले आके एम्पायर से गार्ड लेके एक बॉल खेलनी होती है। हालांकि वो आ गया था 1.52 सेकेंड में वो क्रीज पे आ गया था, लेकिन उसके बाद उसका एक हेलमेट का वो स्ट्रैप टूट गया था। वो जैसे ही उसको एडजस्ट कर रहा था हेलमेट के, तो हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। और टूटने के बाद वो दूसरे के लिए अपने वहाँ खिलाड़ियों को इस तरह किया, भाई लेके आ जाओ दूसरा। उस टाइम साकिब उल हसन ने एम्पायर से अपील की कि टाइम आउट हो गया है और ये आउट होना चाहिए। दोस्तों आप हाईलाइट में देख लीजिए, वहाँ सांतो भी खड़ा था। सांतो ने आग लगाई है पहली बात तो, क्योंकि जहाँ साकिब उल हसन वहाँ खड़ा था उस सांतो ने कहा कि आप अपील करिए, आप हाईलाइट में देख लीजिए ये। उसके बाद से साकिब उल हसन ने अपील करी है। अपील करने के बाद एम्पायर जो इरम उसका नाम है, उसने उसको आउट दे दिया। हालांकि उसने आर्ग्यू किया है एंजेलो मैथ्यूज ने कि भाई मेरा हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया है, इस वजह से टाइम लग गया है, मैं पहले आ गया हूँ, इतने बड़े कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई, उसको आउट दे दिया गया है। और बेचारा टाइम आउट के नाम पे पहला जो ऐसा खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यू जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान है, उसको आउट दे दिया। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि एम्पायर की भी गलती है। जब खिलाड़ी 1.52 सेकंड में आ गया है, गार्ड ले रहा है, और आपने उसको आउट कैसे दे दिया। हालांकि उसकी गलती यार हेलमेट इशू है। हेलमेट देखो वो आप मान सकते हैं कि भाई उनकी डगआउट का भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि डगआउट की तरफ से भी ये माना जा रहा है कि उसको अपना सामान सही से रखना चाहिए। अनेक जो लोग कह रहे हैं आईसीसी का रूल सही है, स्प्रेड द गेम के खिलाफ है, कि अनेक जो माइकल वान है, उस्मान ख्वाजा है, रमीज राजा जो पाकिस्तान के कमेंटर है, वकार यूनुस है हमारे जो एक कमेंटर है, उन्होंने बोला है कि ये गलत हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आप जो साकिब उल हसन है वो वैसे ही बीपीएल में अनसन काम करता ही रहता है, क्योंकि उसने एक बार एम्पायर के मारने की कोशिश की थी, गिल्लियां भी उसने तोड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं। क्योंकि पहले भी एक श्रीलंका मैच हुआ था जहां उसको खिलाड़ियों को बुला लिया था मैदान से बाहर, यार तू इतना बड़ा ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बांग्लादेश अपना देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और तू ऐसी हरकत कर रहा है, वो चीज़ ये बिल्कुल ही गलत है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। जो एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया है वो एम्पायर फोर्थ एम्पायर का भी क्या काम है यार। तुमने अगर आपके पास इतने बड़े कैमरे सब चीज़ें हैं तो आप हाईलाइट देख के आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उसने भी नहीं देखा और बेचारा वो आउट होके चला गया। पहला आउट टाइम आउट हुआ है एंजेलो मैथ्यूज का। हालांकि जो फ्रेंच कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हैंडशेक का भी एक मैटर आया था, जहाँ की दोनों टीमें हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी के रूल के अनुसार जो भी खिलाड़ी जैसे भी कितना भी कोई गेम में हुआ, जो कोई बाउंसर मार दे या ऐसा वैसा कुछ भी हो जाए, तो लास्ट में हैंडशेक होता है, लेकिन दोनों टीमों ने हैंडशेक नहीं किया। तो फ्रेंच कॉन्फ्रेंस ने एंजेलो मैथ्यूज से पूछा गया, तो उसने जवाब दिया कि यार जो इज्जत देगा उसको इज्जत हम भी देंगे, जो इज्जत नहीं दिया तो हमें भी नहीं देनी। ये बात उसने क्लियर बोली है, और उसने बोला है कि मेरा आर्ग्यू है और मेरे पास सब वीडियो एडिटिंग वाले सबसे मैं मिला हूँ, देखा हूँ, मेरा पास मैं आर्ग्यू करूँगा आगे भी। हमारी जो श्रीलंका की टीम के हैं वो आगे बोर्ड जाएगा, उसकी गलती बताए कौन गलत है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी राय रखिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं साकिब उल हसन को, वो तो यार बिल्कुल सही है यार। इतना बड़ा तू कप्तान है, अपनी टीम को लीड कर रहा है, हालांकि टीम उसकी साथ खड़ी है, अन्य कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि उस वो गलत है, क्योंकि लोग वहाँ के लोग भी उसको कोस रहे हैं। हालांकि टीम उसकी खड़ी है, पता नहीं क्या वो उस पर दबाव है उस वजह से खड़ी होगी, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए।